प्रिय प्रदेशवासियों, हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में आप सबका हर कदम पर हमको सहयोग मिल रहा है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमने 24, 25, 26 तारीख को 3 दिन के लिए सरकारी कार्यालय में अवकाश घोषित किया था और हालात और परिस्थितियों को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि अभी इसकी और आवश्यकता महसूस हो रही है, इसलिए ये अवकाश जो है अभी जारी रहेगा। 31 मार्च तक ये जारी रहेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी नया मामला कोरोना वायरस का नहीं आया। आज 34 सैंपल भेजे गए थे, 34 के 34 सैंपल नेगेटिव आए हैं। मैं आप सबके बीच में एक बार फिर से सभी डिप्टी कमिश्नर के साथ जो आज बातचीत हुई उसको भी मैं साझा करना चाहूँगा। पूरे हिमाचल प्रदेश में ओवरऑल सारी स्थिति पर जो है वो हमने जो समीक्षा की उसमें सभी जगह अच्छा काम हमारे डिप्टी कमिश्नर ने और उनके साथ साथ में हमारे सभी भाई और बहनों ने, हिमाचल प्रदेश के जो निवासी हैं उनने किया है, उनको मैं सबको बधाई देता हूं। और विशेष तौर से जो कर्फ्यू के बीच में सामान लेने के लिए जो हमने समय निर्धारित किया था उस वक्त बहुत जगह जो सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हमने बात की थी उसका पालन हुआ है, लेकिन कुछ जगह भीड़ थोड़ी ज़्यादा होने के कारण थोड़ी दिक्कत आई है। ऐसी परिस्थिति में हमने एक और निर्णय आज लिया है। आज शाम की समीक्षा बैठक में सभी डिप्टी कमिश्नर के साथ चर्चा करने के पश्चात, सभी अधिकारियों के साथ चर्चा करने के पश्चात कि हिमाचल प्रदेश में अब जो है कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन सामान लेने के लिए छूट जो है 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक सभी जिलों में एक समय के साथ रहेगी। भाई और बहनों, कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत आवश्यक है। ये कर्फ्यू जो लगा है ये अलग तरह का है। कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए जो कर्फ्यू दूसरे ढंग का लगता है कि वो परिस्थिति अलग होती है, लेकिन इसमें ये बहुत आवश्यक है कि हम इस संक्रमण से खुद को भी बचाएं और बाकी लोगों को भी हम बचाने की परिस्थिति में हो सकें, इसलिए ये बहुत आवश्यक है। सोशल डिस्टेंसिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। जो हमने समय निर्धारित किया है सुबह 7 बजे से 1 बजे तक आप सामान जो भी आवश्यक लगता है आपको, आपके परिवार को, उसको आप मार्केट से खरीद सकते हैं। लेकिन अनावश्यक रूप से बार बार घर से निकल करके मार्केट जाना, बार बार सामान के लिए वहाँ पर भीड़ खड़ी करना, ये मुझे लगता है कि यह आवश्यक नहीं है। इससे आप परहेज करें, एक बार ही निकलें और एक बार ही सामान लेकर के अपने घर जाएं, घर में रहें, परिवार के साथ रहें। मुझे इसमें एक और भी निवेदन करना है और ख़ास तौर से जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो आगे आएं और सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ में जो व्यापारिक वर्ग है उनसे भी इस बात के लिए निवेदन करना है कि आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं, कठिन काम है लेकिन उसके बावजूद हम प्रयास कर रहे हैं उस दिशा में कि हम सामान घर में लोगों के पहुंचाएं, होम डिलीवरी के लिए हम प्रयत्न करें, कोशिश करें। व्यापारी जिन जिन के यहाँ से सामान लिया जाता है वो सुनिश्चित करें कि हम उसमें मदद क्या कर सकते हैं, और उसके साथ साथ में जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे भी हमारी अपील है कि वो भी इसमें सहयोग देने के लिए आगे आएं, ताकि घर में जाकर के ही हम लोगों के आवश्यक सामान को पहुंचा सकें। पिछले कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं जो सामान लेने के लिए घर से आते हैं उनको हम प्राथमिकता दें, उनको लाइन में खड़ा ना होना पड़े, ज़्यादा देर तक उनको भीड़ में रहना ना पड़े। इस बात को सुनिश्चित करने की हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। पुलिस विभाग भी इसको देख रहा है, हमारे पंचायती राज संस्थाओं के, नगर परिषद, नगर निगम के सभी चुने हुए प्रतिनिधि भी इस सारी बात को लेकर के काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा व्यापारियों से भी विशेष तौर से इस बात के लिए निवेदन है कि आप भी इस बात का ध्यान रखें। एक और भी मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी आपकी दुकान पर सामान लेने के लिए आए उसके हाथ सैनिटाइज करने के लिए आप सैनिटाइजर अपने पास रखें, ताकि किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। मैं केंद्र सरकार का और विशेष तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने देश के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज इस संकट के दौरान दिया है।
1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज जो पूरे देश के लिए इस महामारी से लड़ने के लिए दिया, उनका हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।